स्वागत है आप सभी का। इन खबर आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। इस दौरान की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बता देंगे किस तरह जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला को जो है ईडी ने तलब किया है। बता दें कि ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा गया है। मामला जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर दायर किया गया है। कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी जो है पैसे का घोटाला इस पूरी एसोसिएशन के बीच में हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें ईडी ने जो है ये पूरा मामला जो दायर किया गया है ये सीबीआई की 2018 की चार्जशीट के ऊपर जो है 2022 में ईडी ने ये मामला दायर किया गया था, जिसके बाद आज बता दें कि समन जो है वो फारूक अब्दुल्ला को भेजा जा चुका है। फारूक अब्दुल्ला से श्रीनगर स्थित ईडी के कार्यालय में बातचीत होनी है, उनको तलब किया गया है। वहीं पर जो है फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के कार्यालय में पेश होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने यह भी बताया कि जो पूरा मामला है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन के गबन और घोटाले से जुड़ा है। धन के घोटाले से जो है पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है फारूक अब्दुल्ला को पार्टी ईडी ने जो है उनको गठन किया, उनको बुलाया गया है और साथ ही साथ उनको तलब किया। बता दें कि जो ईडी है उसकी ओर से बताया गया है कि ये मामला जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में धन के गबन और घोटाले को लेकर है। मामला जो फारूक अब्दुल्ला पर दायर किया गया है, जो चार्जशीट के ऊपर जो है पूरा मामला दायर किया गया है ईडी की ओर से, उनको समन भेजा गया है, वो पूरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, पैसे की गड़बड़ को घोटाले से लेकर के जो है जुड़ा हुआ है। बता दें कि क्रिकेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो ये एसोसिएशन है, यहां से इसी के पदाधिकारियों को निजी खातों में पैसा जो है, जो धनराशि है वो भेजी गई है, जिसको लेकर के जो है पूरा मामला दायर किया गया था सीबीआई की ओर से 2018 में, जिस पर ईडी जो है जांच कर रही है। बता दें कि मामला एसोसिएशन के मुताबिक के धन को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत असंबद्ध निजी खातों बैंकों में मनी ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि पूरा मामला जो है सामने आया है जब निजी पदाधिकारियों के बैंकों में उनके खातों में जो है पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो इस पर कई सवाल जो है ईडी आज पूछ सकती है फारूक अब्दुल्ला से, जहां पर उनसे पूछा जा सकता है कि क्यों निजी पदाधिकारियों के निजी खातों में इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहे होंगे, या फिर कई सवाल जो है ईडी आज अपने कई सवालों के जवाब ईडी आज फारूक अब्दुल्ला से ले सकता है। फारूक अब्दुल्ला को बता दें श्रीनगर स्थित कार्यालय ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, उनको समन भेजा जा चुका है। बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले पर ईडी 2022 से जांच कर रही है, जो कि मामला जो है चार्जशीट दाखिल हालांकि 2018 में हुई थी, लेकिन 2022 से ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, देखरेख कर रही है इस मामले की। और इसमें आज जो है फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता है, जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडर है, उनको आज ईडी ने समन भेजा है। इस पर मामले पर क्या कुछ जानकारी आती रहेगी वो मैं आप तक सभी जानकारी पहुंचाती रहूंगी। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।